जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सनातन। भारत बिशप गुरु बने, भारत आध्यात्मिक बिशप गुरु बने। ये मैं चाहता हूं, लेकिन हम सभी दूसरे धर्मों का भी मान सत्कार करें, लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। हमें ऐसे अपने आप में संस्कार भरने चाहिए। हमारा धर्म क्यों पिछड़ गया है, इसका भी अवलोकन होना चाहिए। मेरा आज का पामिस्ट्री का लेसन है मणिबंध रेखाएं। मैं मणिबंध रेखाओं के बारे में काफी वीडियो डाल चुका हूं। फर्स्ट, पहली, दूसरी, कईयों में एक होती है, कईयों में दो, कईयों में तीन। रेयर 100 में से 1% लोगों के हाथों में मैंने चौथे मणिबंध रेखा भी पाई है। ये क्या दर्शाती है? यदि आपके हाथ में लंबी, गहरी, स्पष्ट, बिना किसी कट के ये चौथी मणिबंध रेखा है, ये आदमी को सुपर नेचुरल अध्यात्म अवलौकिक, ये आदमी को अध्यात्म ज्ञान मोटिवेशनल फिलॉसफर हीलर्स बनाते हैं। हो सकता है कि ऐसे आदमी के पास पैसे कम हो, लेकिन वो एक रिफॉर्मर होता है, वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान बांटता है, नॉलेज, फेम, उसे वो अपने कर्मों के द्वारा समाज में जाना जाता है। यदि आपके हाथ में फोर्थ मणिबंध रेखा लंबे, गहरे, स्पष्ट है, जैसे जातक समाज में सुधारक होते हैं, अपने नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी और दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को कुछ ना कुछ मोटिवेट करने वाले होते हैं, चाहे इनके पास पैसे कम हो, लेकिन ये फॉर अदर्स, फेम, प्रसिद्धि दिलाती मिलती है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।